नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बजट एक्शन कैमरा लेना चाहते हैं जिससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर सके तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजीकैम 4K एक्शन कैमरा का और देखने वाले हैं इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है और कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैंने जो फील किया वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं इसके सारे फीचर्स भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक इन्फो। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिजी स्पोर्ट्स गो प्रो स्टार 8000 एक्शन कैमरा का, जिसे मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, जो कि लगभग 4000 रुपये का, 3999 के आसपास का ये आपको मिलता है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या मिलता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये 4K तक सपोर्ट करता है रिकॉर्डिंग, 2 इंच की इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है, वीडियो फॉर्मेट H.264। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि H.264 क्या होता है, तो आपने MPEG-4 का नाम सुना होगा, ये उसी फॉर्मेट का दूसरा नाम है H.264 है। ये लेंस इसका 16 मेगापिक्सल का मिलता है और ये वाइड एंगल 170 डिग्री तक शूट करता है और इसमें लूप रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है। और मैं आपको आगे एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप इस कैमरे का इस्तेमाल अपने कार में डैश कैम के रूप में भी कर सकते हैं। डैश कैम कार में काफ़ी ज़रूरी होता है, तो आप इस कैमरे का इस्तेमाल कार में डैश कैम के रूप में भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ एक्सेसरीज़ लगेंगे जो मैं आपको आगे एक और वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक्शन स्पोर्ट्स कैमरा है, तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स के लिए आप इसमें, आप LCD स्क्रीन इसका 2.0 LTPS स्क्रीन है, लेंस जो है वो 170 डिग्री का है, 170 डिग्री का पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। और इसमें आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2.7K 30 फ्रेम पर सेकंड पे, या तो फिर आप फुल HD जो है वो 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और HD क्वालिटी के भी वीडियोस आप 60 फ्रेम, 30 फ्रेम या 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन रिकॉर्ड करने के लिए भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है, 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप इसमें स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट इसका MP4 है, जो वीडियो फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है, और इसमें फ़ोटोज रिजोल्यूशन जो आप 16 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 और 2 मेगापिक्सल में खींच सकते हैं। कार्ड इसमें माइक्रो SD कार्ड लगता है जो कि 64 GB तक सपोर्ट करता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप इसमें ऑलवेज़ क्लास 10 या उससे अबव का ही माइक्रो SD कार्ड लगाएं। उससे कम माइक्रो SD कार्ड लगाने पे बहुत बार क्या होता है कि ये वीडियो शूट नहीं कर पाता है क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होता है, तो कम से कम क्लास 10 का माइक्रो SD कार्ड इसमें आप यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। और स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p पे 60 फ्रेम पर सेकंड पे, या 720p पे 120 फ्रेम पर सेकंड पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका जो USB 2.0 चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, अडेप्टर इसमें 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का अडेप्टर, और इसके साथ 900mAh की बैटरी आती है। तो इन 900mAh की बैटरी से आप लगभग 90 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p पे, या तो फिर अगर आप रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो आपके रिकॉर्डिंग टाइम इसमें थोड़ी कम हो सकती है। बैटरी को चार्ज करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, और ये विंडोज़ XP 7, 8, विस्टा और मैक पर भी सपोर्ट करता है। सिस्टम के थ्रू आप अपने फ़ोटोज, तो इसमें हमें सबसे ऊपर में ये कैमरा दिख रहा है, तो इसको खोल के देखते हैं। इसमें हमें बहुत सारे एसेसरीज़ भी इसके साथ मिलते हैं। इसको ये खोलने के बाद ये ऐसे खुलने पे हमें सबसे पहले ये कैमरा मिलता है, जो कि एक वाटरप्रूफ केसिंग में आता है। वाटरप्रूफ केसिंग में ये कैमरा आता है, तो अभी इसको हम लोग साइड में रख देते हैं,
इसको बाद में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ मिल रहा है हमें, पहले वो देख लेते हैं। तो साथ में इसके अंदर एक क्लीनिंग क्लॉथ भी है और एक बहुत बड़ा सा डब्बा जिसमें कि बहुत सारे माउंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ आपको स्टिकिंग पैड्स और कुछ वायर्स वगैरह मिलते हैं, जिप वगैरह। इसमें आपको बहुत सारे माउंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि ये क्या है। तो ये लगभग इतने सारे माउंट्स मिल जाते हैं। पहले मैं इस डब्बे को साइड में रख देता हूँ। ये बहुत सारे माउंट्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बाइसिकल ब्रैकेट है। अगर आप इस कैमरे को अपने साइकिल में लगाना चाहते हैं तो ये बाइसिकल ब्रैकेट है। कुछ जिप टाई लॉक्स हैं, इसी तरह के कुछ अलग अलग माउंट्स भी हैं, कुछ स्ट्रिप्स भी दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से चिपकाने के लिए। और ये एक और या फिर ब्रैकेट दिया हुआ है। ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। अगर आप इस कैमरे को कार में एक डैश कैम की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला ब्रैकेट आपको सबसे ज़्यादा काम में आएगा। इसमें आप कैमरा लगा के इसमें इसको आप कार में जब ऐसे आप लगा देंगे तो फिर ये आपके कार के डैश कैम का भी रूप ले लेगा। उसके लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। एक हमें USB केबल मिलता है, USB 2 माइक्रो USB केबल, और साथ ही कुछ अलग अलग माउंट्स जिसमें कि हेलमेट माउंट्स वगैरह भी शामिल हैं। ये माउंट्स के लिए भी अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स में लिखिए, हम मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा इस माउंट्स के लिए। और ये एक इसका बैक कवर। तो आइए बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा हमें मिलता है इस वाटरप्रूफ केसिंग में। तो इस केसिंग को खोलने के लिए यहाँ एक नॉच दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो, अगर मैं आपको ठीक से दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पे एक नॉच दिया हुआ है। आपको इसको इधर की तरफ खींचना है और इसको ऊपर की तरफ पुल करना है। तो इसको आप नाखून से अपने इधर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा मुश्किल रहेगा, फिर इसको ऊपर की तरफ ये ऐसे खुल जाएगा आपका। खुलने के बाद इसको आप पीछे से ऐसे खोल के फिर यहाँ से आप कैमरा निकाल दीजिए। तो ये आपका एक वाटरप्रूफ ब्रैकेटिंग या वाटरप्रूफ जो केसिंग आप कहना चाहें तो केसिंग कह सकते हैं इसको। तो ये आपका कैमरा है। यहाँ पे आपको 4K वाईफाई, ये वाईफाई भी सपोर्ट करता है 4K रिकॉर्डिंग। इसको मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ लेकिन 4K रिकॉर्डिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, फुल HD में आप इसमें अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्पीकर है और ये रहा आपका चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे यहाँ से आप अपना चार्जिंग केबल इसमें लगा सकते हैं। और ये आपका एक मिनी HDMI पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आप अपना माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लगाया हुआ है। मैं अभी इसमें 32 GB यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आप चाहें तो इसको 64 GB तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, साथ ही साथ ये एक मोड बटन भी है। इसके इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको अभी इस वीडियो में ही बताऊँगा। और इधर आपको अप एंड डाउन एरो कीज़ है, अप एंड डाउन कीज़, और ऊपर में एक ओके बटन दिया हुआ है जो मोड को सेलेक्ट करने के काम में आएगा। बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ नीचे की तरफ दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। बैटरी निकालने के लिए इसको आपको इधर की तरफ ज़रा सा खींचना है तो ये ऑटोमेटिक पुल हो जाता है। यहाँ से ये ऐसे ये पुल हो गया और यहाँ पर एक बैटरी निकालने के लिए यहाँ पर एक रिबन टाइप का है। इसको अगर आप खींचेंगे तो आपकी बैटरी बाहर आ जाएगी। तो अभी हम बैटरी को इसमें लगा देते हैं वापस और इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। इसको फिर लगाने के लिए आपको ऐसे एडजस्ट करके इसको फिर इधर की तरफ खींचना पड़ेगा तो ये लग जाएगा। कभी कभी इस बैटरी कंपार्टमेंट को सेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये हमने इसके बैटरी सेट कर दिया। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे हमारा एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, हम इस ऑन ऑफ बटन को दबा के इसको ऑन कर लेंगे।
ऑन करने के साथ ही यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक होने लगती है। जब आप चार्ज करेंगे तो इसके जस्ट ऊपर एक और लाइट है, वो रेड कलर की ब्लिंक होगी, यानी आपका ये सेल चार्ज हो रहा है इसका। और जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो वो ब्लिंक करना बंद कर देगी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ इसका ये डिस्प्ले है। मेरा कैमरा अगर इस पर अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहा हो तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका डिस्प्ले है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला बटन जो है ये आपका ऑन ऑफ स्विच के साथ साथ ये आपका मोड बटन भी है। तो आप यहाँ से आप इसको क्लिक करके इसके मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका कैमरा मोड पे आ गया, दूसरी बार अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्लो मोशन मोड पे आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्लो मोशन का एक आइकन आ रहा है। क्षमा चाहूँगा अगर मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा हो तो। फिर से अगर आप क्लिक करेंगे तो यह आपका वीडियो प्ले बटन आ गया। यहाँ से आप जो भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे आप उसको प्ले कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं इसके कुछ सैम्पल वीडियोज़ भी डाल दूँगा जो आप देख पाएंगे आपके रेफरेंस के लिए। एक बार और प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमको ये ओके बटन प्रेस करना है। तो यहाँ से आप इस कैमरे की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जो पहला सेटिंग है वो है वीडियो रिजोल्यूशन का, दूसरा जो है वो है रिकॉर्ड साउंड, तीसरा है टाइम लैप्स। आप इससे चाहें तो टाइम लैप्स के भी वीडियोस बना सकते हैं। जो उसके बाद है वो लूप रिकॉर्डिंग है। लूप रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि एक सर्टन टाइम इंटरवल अगर आप सेट कर देते हैं, जैसे अगर आप लूप रिकॉर्डिंग को इसमें आप अगर आप ऑन करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है क्लोज, फिर है 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो सर्टन टाइम इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिक जो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो लूप में चलता रहता है। ये लूप रिकॉर्डिंग जो है वो आपके कार के डैश कैम में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। ये लूप रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी होना चाहिए, तभी आप किसी भी एक्शन कैमरे को आप कार के डैश कैम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके कार में मेमोरी फुल हो जाती है, रिकॉर्डिंग की मेमोरी आपकी मेमोरी कार्ड में फुल हो जाती है, तो वो फिर से पुराने वीडियोस को वो डिलीट करना शुरू कर देता है और उसकी जगह नई वीडियोस लाना शुरू कर देता है। तो ये लूप रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। लूप रिकॉर्डिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो ये स्लो मोशन है जो 720 फ्रेम पर सेकंड पर सेट किया हुआ है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 150 फ्रेम पर सेकंड पे स्लो मोशन बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद ये वीडियो का ऑप्शन है। उसके बाद कैमरा की सेटिंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ से फिर से इस बटन को, जो मोड बटन है उसको अगर दबाएंगे तो ये कैमरा में आ गया। कैमरा में आपका फ़ोटो रिजोल्यूशन मोड है जिसको आप क्लिक करके 16 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल इत्यादि सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 16 पे ही छोड़ देता हूँ। फ़ोटो में अगर आप टाइम वगैरह लाना चाहते हैं, टाइम का स्टैम्प वगैरह, एक दूसरा है ऑटो। ऑटो में आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपना एक्सपोजर, वाइट बैलेंस और इमेज रिजोल्यूशन वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी LED इंडिकेटर लाइट, स्क्रीन शेवर, ऑटो शटडाउन, 5 मिनट तक अगर आपने कैमरा को यूज़ नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद वाटर मार्क वगैरह लाना चाहते हैं, वॉल्यूम वगैरह कितना रखना चाहते हैं, ये इसके अगले वाले ऑप्शन में है, एक्सपोजर वाले में। जो अगला है वो है फिर सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ से आप लैंग्वेज, डेट, टाइम, फॉर्मेट या फिर फर्मवेयर वर्जन इसका आप चेक कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर अगला जो है ये, यहाँ से अगर आपको बाहर निकलना हो तो यहाँ से अगर आप ऊपर से इसको ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ से आपका बैटरी इंडिकेटर मिलता है, यहाँ से आपका वाईफाई इंडिकेटर मिलता है। साथ ही इस कैमरे को अपने सिस्टम में यूज़ करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। उस ऐप के लिए यहाँ पे आपको एक QR कोड दिया हुआ है। अगर आप इस QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको ऐप के पेज पे लेके जाएगा, जहाँ से आप इसका एक कंपैटिबल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस कैमरे को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस कैमरे को ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल का स्क्रीन जो होगा वो इसका डिस्प्ले बन जाएगा। तो आप इस कैमरे को अपने मोबाइल फ़ोन से भी फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह डायरेक्ट क्लिक करने के लिए या मोबाइल को एक वायरलेस रिमोट की तरह इस कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिजी स्पोर्ट्स का कैमरा
उतना इम्प्रेसिव तो नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है आपके महंगे एक्शन कैमरों की अपेक्षा। 4000 रुपये की इसकी प्राइस रेंज है और आप 4000 रुपये में इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वीडियोस थोड़े शेकी होते हैं अगर आप हैंड हेल्ड करके वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक ट्राईपॉड का यूज़ करते हैं तो आप कुछ डिसेंट वीडियोज़ वगैरह कैप्चर कर सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है आपके कार के डैश कैम के लिए। तो अगर आप इसे कार में डैश कैम के रूप में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि मार्केट में जो कार डैश कैम अवेलेबल हैं उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो काफ़ी महंगे भी हैं। तो आप इसको अगर कार में डैश कैम के रूप में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ठीक ठाक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। रात में कार में जो सामने की दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनके नंबर प्लेट्स वगैरह साफ साफ दिखाई देते हैं। तो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव आप मान सकते हैं आपके हाई एंड दूसरे एक्शन कैमरों का, जिसको आप एक ट्राई दे सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, डिजी स्पोर्ट्स डिजी 8000 4K एक्शन कैमरा के बारे में। तो एक सस्ते अल्टरनेटिव के रूप में आप अगर चाहें तो इसे एक ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो इस प्राइस रेंज में कैमरे अवेलेबल हैं उनसे ये कुछ हद तक बढ़िया है, लेकिन इसके वीडियो क्वालिटीज़ और वगैरह इसमें ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी ऐड नहीं कर सकते हैं, और इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसमें ऑडियो वगैरह आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। इसको आप वाटरप्रूफ केसिंग में कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरे के लेंस को आप ऐसे रखेंगे, इसको आप बंद करेंगे, उसके बाद इस केसिंग को यहाँ से ये वाला जो है इसका नॉच है इसको यहाँ पर फंसा के इसको आपको प्रेस करना है और ये आवाज़ के साथ ये वाटरप्रूफ केसिंग में लॉक हो जाएगा। आप चाहें तो इस वाटरप्रूफ केसिंग में ही इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ पे जो बटन दिए हुए हैं ऑन ऑफ़ करने के लिए, यहाँ से ही आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं या फिर इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहे तो इसमें एक ट्राई इसको दे सकते हैं, इसकी वीडियो क्वालिटीज़ वगैरह भी अच्छी है। वीडियो के एंड में मैं इसके और भी वीडियोज़ कुछ सैम्पल वीडियोज़ और फ़ोटोज़ डाल दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।